इस न्यू कलर के अंदर हम लोगों ने इस कार के ऊपर क्या क्या चीजें की हैं, बेस्ट इसके इंटीरियर में क्या क्या चीजें की हैं। और सर से आप पूछते हैं कि हम लोगों ने जो पीपीएफ किया है, जो इंटीरियर में वर्क किया है, और सब में आप कार टर्निंग के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, प्लीज आप हमें बताइए। फिनिशिंग टेरिफिक है आपके पीपीएफ की। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मेरे को खुद नहीं पता था कि वो चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ, गोल्ड प्लस ब्लैक का जो कॉन्ट्रास्ट है, सेम कॉन्ट्रास्ट अंदर में ब्लैक और गोल्ड, तो मैं खुद नहीं जान रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट आपने खुद ही विजुअलाइज उसी समय किया कि इट कैन बी डन। अच्छा लगेगा, यस ऑब्वियसली, और मुझे भी था कि मैं कुछ डिफरेंट करके दूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कॉन्ट्रास्ट सही निकल के आया है, अमेजिंग वर्क, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट्स दीजिएगा, और साथ ही में अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग डेली बेसिस पे इतनी ज़बरदस्त वीडियोस लेके आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इसको मिस कर दें। जल्दी से क्लिक कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। हेलो गाइस, तो फाइनली जिस थार का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो थार रेडी हो गई है, और यस काफ़ी सारे कस्टमर बहुत एक्साइटेड होंगे कि आखिर इस न्यू कलर के अंदर हम लोगों ने इस कार के ऊपर क्या क्या चीज़ें की हैं, बेस्ट इसके इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें की हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कार को हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है हमारी गरवारे की पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से। अगर मैं बात करूँ कि इस कार के अंदर हम लोगों ने कौन सा सीरीज इंस्टॉल किए हैं, गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके अंदर आपको टू सीरीज़ मिलती है, वन इज़ प्लस सीरीज, सेकेंड इज़ प्रीमियम सीरीज। प्लस सीरीज़ में जैसा कि आपको 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है और प्रीमियम आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है, तो हमने इसके ऊपर प्रीमियम सीरीज़ इंस्टॉल करके दी है। अब उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या फ़ायदे होते हैं या गरवारे की पीपीएफ ही क्यों बेस्ट है। गाइस 5 ईयर्स वारंटी के साथ ये आपको मिलती है 200 माइक्रॉन्स के साथ, प्लस इसके अंदर आपको मिलता है इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग, उसके बाद हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त, और यू कैन चेकआउट द लस्टर कि जो इसका ग्लॉस है या जो इसकी शाइन है, ये जो लस्टर है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो एक्चुअल पेंट में भी नहीं आता है, क्योंकि ये कार भी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, स्टिल आप देख सकते हैं। तो गाइज अब आप इसका स्टेयरिंग चेकआउट कर सकते हो। स्टेयरिंग पे हम लोगों ने फुल ऑन ब्लैक कलर का लेदर इंस्टॉल करके दिया है विद गोल्डन 10 थ्रेडवर्क, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। वी सेक्शन आप इसका देखिए, इसको भी हम लोगों ने ब्लेजिंग ब्रॉन्ज के अंदर दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट इसकी सीट्स के बारे में। गाइज सीट्स आप देख सकते हैं, इसको भी हम लोगों ने कम्प्लीट ब्लैक लुक दिया है, बट कुछ डिफरेंट स्टाइल के अंदर। वो कैसे वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो लुक इस बार आया है ना इसके डायमंड कलर का, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, प्लस जो 3D इफेक्ट आया बिकॉज ऑफ हैवी कुशनिंग में, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसी से ही हम लोगों ने पूरे इंटीरियर को मैचअप करके दिया है। हेडड्रेस पे देखो यहाँ पे थार की बैजिंग और एम्ब्रॉयडरी भी देखने को मिलने वाली है, जो कि हम लोगों ने इसके अंदर की है। यहाँ पे आपको प्रो मैन का ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलने वाला है, जो कि हम लोगों ने इस बार इस कार के अंदर इंस्टॉल करके दिया है पूरा। यहाँ से भी आप फिनिशिंग वर्क डैशबोर्ड का चेकआउट कीजिए कि कैसा लग रहा है, अमेजिंग इंटीरियर। और एक और ख़ास बात है जो मैं अभी पीछे जाके आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो ख़ास बात क्या है, कि वो भी कस्टमर की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो, एक स्पेशल चॉइस बोल सकते हो, जो कस्टमर को हम लोगों ने इस बार इसके अंदर करके दिया है। तो मैं फटाफट से पीछे चलती हूँ और आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो इंटीरियर है वो टोटली ब्लैक आता है, बट आता है हार्ड प्लास्टिक। तो ऐसे ही कुछ कस्टमर भी मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला था कि मैम इसके अंदर ना कुछ रिच फील नहीं आती है, और उनकी कुछ कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसको सब सुनने के बाद हमने उनको कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं। यहाँ पे आप इसका डैशबोर्ड देखिए, डैशबोर्ड पे लेदर अपहोल्स्ट्री इंस्टॉल करके दिया, फुल ऑन ब्लैक विद गोल्डन 10 थ्रेडवर्क। फिनिशिंग आप देख सकते हो बिल्कुल अप टू द मार्क आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस गाड़ी के अंदर, और आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि हाँ ये बहुत बेस्ट पार्ट है, कि इस कार के अंदर जो हम लोगों ने कुछ इंसर्ट्स दिए हैं ब्लेजिंग ब्रॉन्ज के, ये बिल्कुल 00 कलर मैच है इसके एक्सटीरियर से, जो कि इस कार के इंटीरियर को बहुत ज़्यादा प्रीमियम या कुछ हटके बना रहा है। और ये अभी तक आपने किसी वीडियो में नहीं देखा है अभी तक, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट कवर अप किया वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, स्टीरियो कंसोल आप इसका देख सकते हैं,
यहाँ पे आप गियर वाले पार्ट की तरफ भी सेक्शन इसका चेकआउट कर दीजिए। जहाँ पे पावर विंडोज का सेक्शन है यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको दिया हुआ है। लेग सपोर्ट पैनल यहाँ पे आपको ब्लैक में देखने को मिलने वाले हैं विद गोल्डन टैन थ्रेडवर्क, जो कि हमारे इस कलर के साथ बिल्कुल 00 मैच हो रहा है। साथ में एक्स्ट्रा कुशनिंग भी दी गई है ताकि कंफर्ट आपको मिल सके। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं गाइस, फ्लोरिंग के अंदर भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके का ब्लैक विद दी गोल्डन थ्रेडवर्क का वर्क करके दिया है। फ्लोरिंग हमारी बिल्कुल फ्रंट टू रियर तक पूरी पैकअप है और ब्लैक कलर का एक ग्रास मैट दिया गया है इसके अंदर, तो वो यहाँ पे आप देखिए। सो गाइस एक बार इसके डोर्स भी चेकआउट कर लेते हैं। होल्स्टर यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया है ताकि हमारे कंफर्ट मिल सके, कस्टमर को एक लग्जरी प्रीमियम लुक जो चाहिए थी वो मिल सके। यहाँ पे थार की बैजिंग को भी हम लोगों ने ब्लेजिंग ब्रॉन्ज कलर में किया हुआ है। यहाँ पे आरसी लीवर का पैनल चेकआउट कीजिए, ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा। डोर पैनल भी यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। साथ ही में जो आगे वाला पैनल है ये आपको ब्लेजिंग ब्रॉन्ज के अंदर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए। प्लस मैं एक और लुक बोलूँगी कि आप इसका लुक देख सकते हो कि एक ब्लैक इंटीरियर के साथ भी इस गाड़ी को एक लग्जरी और जो प्रीमियम और जो सटल लुक है ना वो बिल्कुल दी जा सकती है। एक लुक आप यहाँ से देखो कि बहुत ज़बरदस्त कार लग रही है। गाइज मैं आ गई हूँ रियर बैक एंड रियर सीट पे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आर्मरेस्ट इंस्टॉल करके दिए हैं। ये कस्टमर की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि उनको साइड्स में नहीं चाहिए आर्मरेस्ट। अब साइड्स में क्यों नहीं चाहिए आर्मरेस्ट वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये बहुत कंफर्टेबल है कि जब आपको यूज़ कर रहे हैं आर्मरेस्ट तो आप इस तरीके से कुछ नीचे बैंड कर सकते हैं। अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इजिली इसको कुछ पीछे की तरफ इस तरीके से आप इसको बैंड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको रीज़न बता दी कि क्यों कस्टमर ने साइड वाले आर्मरेस्ट नहीं लिए, उन्होंने ये सेंटर वाले आर्मरेस्ट क्यों लिए थे और हमने उनको क्या करके दिया है। सो गाइज यही वो चीज़ है जिसके लिए कस्टमर हमारे पास आए थे और उन्होंने बोला था कि जो मार्केट में या हम लोग भी पीछे वैसे वाला आर्मरेस्ट लगवाते हैं उनको वो वाले आर्मरेस्ट नहीं चाहिए थे। आर्मरेस्ट के लिए उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उन्होंने आर्मरेस्ट इंस्टॉल करवाया है, और उन्होंने एक और चीज़ शेयर की थी कि मैम पीछे ना स्टोरेज की जगह नहीं है, वो बॉटल होल्डर और किसी को डायरी रखनी हो तो वो कैसे रखेगा। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ इस तरीके से दो बॉटल होल्डर्स इंस्टॉल करके दिए, बना के दिए कस्टमर को, तो वो यहाँ पे आप देखिए। रूफ में कस्टमर ने अभी रूफ नहीं कराई है, बट यस थोड़ा सा कुछ पूरी थीम को मैच करने के लिए यहाँ पे आप देखिए जो स्पीकर्स के पैनल्स थे यहाँ पे मैंने आउटर से मैचिंग के लिए यहाँ पे ब्लेजिंग ब्रॉन्ज का हम लोगों ने हाइड्रो डिपिंग करके दिया, पूरा मैचअप करके दिया है। तो गाइज ये था इस कार का वर्क जो हमने किया है। तो गाइज वर्क पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको ये इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो भाई, अब तो मैंने पूरी वीडियो दिखा दी, पूरा वर्क पूरा शेयर कर दिया, और पता है कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, कार को रेडी करने के लिए। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें कॉल करने के लिए नंबर रहेगा 7271939393, आप हमें कॉल कीजिए। साथ ही में आप हमें आउटलेट पे हमारे विजिट कर सकते हो, चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, पटना हो एंड इवन देहरादून भी। तो गाइज फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कार के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।